हाफ पैंट में वुजू कर सकते हैं और उसके साथ नमाज अदा कर सकते हैं। हाफ पैंट किसको कहते हैं मुझे नहीं मालूम। आधा पजामा, आधा पजामा किसको कहते हैं मुझे नहीं मालूम। आदमी का नंगा पा जिसका छुपाना फर्ज है वो कितना है, इसमें अइमा में इख्तिलाफ है। हजरत इमाम मालिक अलैहि रहमा कहते हैं सभी लेन आगे पीछे की दो शर्मगाहें और उनका इर्द गिर्द बस ये शर्मगाह है, लिहाजा पेशाब का उज्व और उसके पेशाब का उज्व जहां रानों पर लगता है उसे उर्दू में कहते हैं जंगा से, और पिछली शर्मगाह और उसका इर्द गिर्द उनको सूरी ने कहते हैं बस ये शर्मगाह है, राने शर्मगाह नहीं है। ये इमाम मालिक अलैहि रहमा की राय है। बाकी तीनों फोकहा के नजदीक राने भी शर्मगाह है और ऊपर नाप के नीचे तक, नाप शर्मगाह नहीं है, नाप के नीचे से शर्मगाह शुरू होती है, राने भी शर्मगाह है। घुटना हजरत इमाम शाफी अलैहि रहमा के अंदर घुटना शर्मगाह नहीं है और इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा के अंदर घुटना भी शर्मगाह है। बस नाप के नीचे से लेकर घुटने के नीचे तक ये अहनाफ के अंदर शर्मगाह है, इतना ढांकना फर्ज है। बाकी बाकी बदन के साथ खुला है तो अभी नमाज हो जाएगी, लेकिन किस हालत में नमाज पढ़नी चाहिए? कुरान में है खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल मस्जिद, जब भी नमाज पढ़ो ब्यूटी लेकर पढ़ो। जीनत के माने ब्यूटी, लतीफा। एक साहब हमेशा अपनी वाइफ को लेकर के मस्जिद आते थे, अकेले कभी नहीं आते। लोगों ने पूछा भाई क्या बात है, उन्होंने कहा अल्लाह का हुक्म है। उनकी बीवी का नाम जीनत था, कहा अल्लाह का हुक्म है जीनत लेकर आओ अपने साथ, तो मैं अपनी वाइफ को लेकर आता हूं। तो ब्यूटी कुरान ने ये कहा। अब एक इस्लामी लिबास है और एक गैरों का लिबास है, एक इस्लामी कल्चर है एक गैरों का कल्चर है। इस्लामी कल्चर में ब्यूटी किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं, और दूसरे गैरों का जो कल्चर है जिसको फैशन कहते हैं, फैशन में ब्यूटी किसे कहते हैं उसका एतबार नहीं। लोग जो खुले सर के, आजकल खुले सर अच्छा समझा जाता है, अच्छा गैरों के कल्चर में अच्छा समझा जाता है, फैशन है ये, इस्लामी लिबास नहीं है। रहा वुजू का मसला, तो आप मादरजात नंगे होकर वुजू करें तो वुजू पर क्या फर्क पड़ता है? ये पूछ रहा है कि हाफ पैंट में वुजू कर सकते हैं या नहीं। हाफ पैंट नहीं, मादरजात नंगे होकर वुजू करो, वुजू तो हो जाएगा, वुजू पर क्या फर्क पड़ता है?